है कि लोग समझ अपना लैंग्वेज कमीशन बने भी हैं, लेकिन हर मल्टी लिंगुअल स्टेट का फर्ज होंगे कि वो लैंग्वेज स्टडी करावे। बड़ा शर्म आती है जो मेरे ऐसा सीधा उर्दू के खिलाफ लेते हैं सीधा इतने ही दे जाते लोग समझ का फर्ज है। एक सारा दोस्त मैं नाम नहीं कहता लेकिन काम वो अच्छा किया, वो मान के थी हरियाणवी जबान का इशू है। आई विल बी द लास्ट पर्सन विश हरियाणवी दैट कि ये जबान ये डायलैक्ट जितना घर रहे इस बच्चा बदले मुल्कान इतना अच्छा खासा हरियाणवी लहजा है भी ये मर बजे इधर मुकाबले खत्म थी बजे इधर कोई किताब तो दूर बीच ना आवे पहले कितने मैं भी ना भी उन्हें बोल कर रहा हूँ इसी जबान इतनी सेक्रेट चाहिए और सरेकी लैंग्वेज मूवमेंट पहली लैंग्वेज मूवमेंट है जेरी निगेट भी करे थे जबाने को वीर असान हैदरी साहब उड़ाओ बानिया नुबान उसमान पसो मैंने मालूमात मुताबिक वो बंदा जो था फिर डरे वो आके उस रैकी आ गए वो मेरे पहले ईशा गार आ गया बल्टन एक बंदा 1849 वो फिर आया वो जासूस हा ब्रिटिश प्लस वो अपने बंदे की बड़ी ट्रेनिंग करने वो जबान है राजी बड़ा शौकीन है उनके बारे लिखे हुए जो घुमरा मरेगा तो नट बजा देगा तो कमाई के निकले और पूरा सिंध को अघाल के उनकी भाई मुखान पहुंचा और मैं रिकॉर्ड का पूरा हाफिज का जमीन मैं कोई नहीं जाने इतना आया कि वो ये जबान सुनी कहीं के मुख्तलिफ ना चलते बताए इको जो लाहौर कने आए हैं तो उन्हें ही ना इको बंदा उनके पूरा होगा इलम लाहौर वाली पास जो ब्रिटिश है उन्हें ना मगर बचपन पंजाबी रख देता है पूरी किताब सरगोदे ने सेंटर में कभी सर दी रिकॉर्ड के मौजूद है उनका ना है वेस्टर्न पंजाबी बिन्ने उड़ा जो आए तो उन्हें कहने जो पूछे ने यार भाई ये तुम्हारी इंडो वाली जबान क्या है वो वादन लहजे की जबान जिन्हों सिज लगते इन उत्ते रूसी कुछ ने पूरी किताब को मारी है वो सारी जबान का नाम 1970 की किताब जी लिखी है ना इन को आना उसी की मोटी किताब है वो लंगा है उस रैंक की ग्रामर तो सुन के गया प्रोफेसर क्रिस्टोफर शेकर हुए साल वो अगर पीएचडी करे ना बता दिए मैं को याद है कि वो आया पंजाब लाहौर वो तो वो पंजाबी में उसे करण कर रहा होगा एक पहला आर्टिकल पंजाबी में बोल दिया तो जो जिसके दुआ का आदमी आते पता लगे ये तब भी गड़बड़ी है मुल्तान अली को पंजाबी नहीं मिले वो भी पे आए वो बाबल को बैठ दिया और बता दिया पहली बकायदा ब्रिटिश ग्रामर की जी अज तक पाकिस्तान एक बयान रोकी है उदा कसूरी है वो मौका बना लिखे इस है कि लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल पाकिस्तान ग्रामर की बड़ी मतलब वो अपना जोर लाए वो मुश्किल बना बने मैं अफसरा थे लेकिन उन्हें जो है वो इतना पढ़ी नहीं गई उतना रिकमेंड ही नहीं थी सकती उस है कि लिखा है इस है कि लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल वीर असान लाइब्रेरी क्रिस्टोफर शेकल उनके बाद हमाशुमा वो सारे लोग हैं आज सारे गुरु जबान है सारे शुदान दिन जबान तकनाल नेशनल हिंदी में नहीं मिलता जेरे बिन्ने दे नेशनल हिंदी निगेशन करें दिन के ना कोमा उन्हें ना नेशनलिज्म ही बिन्ने दे नेशनलिज्म को मारा हो अमेरिका को नेशनलिस्ट मूवमेंट का बिल्कुल नहीं पता इतना ही भी कहीं जेनुअन नेशनलिस्ट मूवमेंट को यूए सपोर्ट नहीं किया मैं इंशाल्लाह सही हूं जाली कोई नहीं किया मैं बोल रहा लेकिन इतना हो सकता वजह कि यूएस नेशनलिज्म की अपनी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी दुनिया इस नेशनलिस्ट न हो वास्ते नेशनलिज्म तो जितना भी बुरा आक्सेंट उफे आक्सेंट जिन्हें नेशनलिज्म को मिले पाकिस्तान में 10% आबादी आई रही 1987 आई 81 में सेंसस से उर्दू स्पीकिंग भी 9 या 10% आले दी जबान असा पूरे मेरे उन्हें कई बहाने हैं वो नोवर पर जो दिन वो मलार पास मिले मत पाए दिन वो मीर कुकिंग दिन वो काले कुकिंग दिन असा उन्हें वो कायल नहीं से कर सकते सारे पिच जो रहते बात मुझे तरीके गाने चुके थे कोई कोई तो सब्सक्राइब भी उन्हें ये जाए ऐसा शिकंदा थी है बाबा सारी भी हुई है ਇੰਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ
सिंस 1800 एक किताब है मकबूल प्रोफेसर ने लंदन यूनिवर्सिटी के 18वीं सदी करे उर्दू पूरा जोर लाए क्रिस्टोफर शैकल के पिने ने उर्दू का कोई जवाब तो पेश करो कोई जवाब कोई नहीं उर्दू हिंदी है अगर स्क्रिप्टरा जबाना आज थी ना होवे तो वक्त पीछे पंजाब में लू है बटलार बीन कर लो तुसा को गुरमुखी च लिखी दी हिंदी ये लिखी दी फारसी उर्दू स्क्रिप्ट लिया आज जबान है अगर ये आज जबान है तो जेरी पंजाब मशरकी बीच पंजाबी गुरमुखी च लिखी दी है कि जेरी पाकिस्तान पंजाबी उर्दू स्क्रिप्ट फारसी स्क्रिप्ट लिखी दी क्या है दू जबान है नहीं ना तू जमाना पंजाब मशरकी की पंजाबी हो भावे मगरबी पंजाब की पंजाबी हो जबान है हूँ मैं कलमा पढ़ के पकवा दा कि उर्दू ते हिंदी ज्यादा हिक्का जबान है पंजाबी के सिले की ये फार्मूले हैं ने सब याद रखने मुश्किल अपने अगले सिले की कि पंजाबी ते सरेकी बेशक काफी मुश्तक चीजा है लेकिन पंजाबी ते सरेकी दे बीच डिफरेंस दा फर्क दा एलिमेंट बहुत ज्यादा है बा मुकाबला हिंदी ते उर्दू हिंदी ते उर्दू बीच सिर्फ एक ग्रामेटिकल पॉइंट है कोई ओ तुम ते आप दादी जी जो होती है बाकी हिक्का दी हिक्का जबान एक पॉइंट है जेले तुसा इको असा को कोई तासुब नहीं जितना भी शेर आके उनके नाल प्यार है शेर तो इंग्लिश ची है शेर तो सरेकी ची है वो तासुब क्यों बने थे लेकिन वाकया यह है कि तुसा जेले वेले उर्दू को सारे उत्ते इंपोज करने पे हो तुसा राह हमवार करने पे हो हिंदी दी डोमिनेशन की थे हिंदी की थे एक रेड कारपेट बिछेने पे है ऐसा सराय की बसे बिच जेले वेले ऐसा उर्दू को गैर जरूरी जा देने पे है ऐसा हिंदी दे बस ने एक कारपेट बिछेने पे है एक नहीं तब्दीलियां आ गई एक बंदा बड़ा मुबालता है साहेब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀ ਮੁਹਰਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਕਸਰ ਨੇਚਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਕੀ ਰਹੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਫਤ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਦੇ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਦੇ ਬਲੋਚੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਦੇ ਬਿਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਲਈ लेकिन वो उठो दी इस आम फैल जबान समय लिंगुआ फ्रांका राबते दी जबान 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट एक जज नाफिस करने की बड़ा कोशिश की थी क्यों ये लाइज का ऐसा जो तिवरा जी पड़ी मैंने वो एक जज को गए कि उर्दू 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 जेरा काम तो सकने आप करने नहीं थी जाना सारे खतों किताब अंग्रेजी कर रहे हो वो सारे जबान की कास दूते तो सिर्फ गरीब का बाल उर्दू पढ़ना करे उर्दू वाले ने अपने बाल अंग्रेजी पढ़ने ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਨਾਲੇਜ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨਾ ਮੋਨੋਲਿੰਗੁਅਲ ਫਰਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਾਨੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਬ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਮਝੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਉਹ ਭਿੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਰਾਮ ਵੀ ਚਾਹਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨਾਲੇਜ ਵੀ ਚਾਹਤੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਬਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਦਰ ਦੁਸ਼ਮਨਾਨਾ ਜਾਹਲਾਨਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰੈਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੋ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਐਡਾਪਟ ਕਰੇ
لوگوں نے اتنے یہ جڑا بڑا ظلم 70 سال کے تھینا پے کہ جڑی زبان میڈیا والے نے رات نہیں عام آدمی دے نال کوئی تعلق نہیں ہے مہذب تہذیب استغراق استغراق عالم استغراق میں کتاب لکھن والا لکھے علاوہ والا علاوہ 80% نہیں تھے 50% مضمون تریمت گھر دی بیٹھی ہوئی غریب لوگ انہیں ٹوٹلی تسا اپر کلاس اور نالجبل کلاس کی کمونی بے شک نے محروم کی کھڑے ہو عربی زبان نے مستار لفظ کی وجہ کر مقتدر راد خرچہ دی حال ہے کہ مادری زبان اگلا ایک سوال ہے اعتراض کو پیدا مادری زبان قابل عمل بالکل غلط ہے کہ مادری زبان فجالی زبان ہے نتی سکسی اتھی سکسی بدی کلاس کہے ایک محلے دے وچ زیادہ بدی آبادی پجاڑ کی آبادی وچ بال گلی وچ نکل دے اگر محلہ پشتون ہے لائے تے ایک سرائی کی چکا گیا ہوئے تو سب پشتون گاہ دی سکسو تارا بال گلی وچ پہلے سے کی دے پجاڑ کی جیلی محلے دی بستی دی زلے دی تسیل دی جو کچھ اسی تسیل دی وچ پجاڑ کی سرائی کسی کے اگر بڑھاؤ پرے میری سکون سرائی کی کوئی بدی کاس نہیں آدھی ایک کو سٹینڈرڈ سرائی بس پر سی سنٹر لیول سرکی چ پڑھ رہے سی سندھی چ پڑھ رہے سی پٹواری چ پڑھ رہے سی یہ پڑھ رہے سی کوئی ایشو ہی کر رہے